विश्वविद्यालय जीएसटी विवाद पर सीआर देवासी ने एसपी मनोज चौधरी को परिवाद देकर सुरक्षा की मांग की। साथ ही देवासी ने एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव और आर्ट्स कॉलेज के पूर्व अध्यक्ष मोहित नायक के खिलाफ प्रतापनगर थाने में जबरन कार्यालय में घुसकर और दबाव बनाकर कार्य करवाने को लेकर परिवाद दिया। वहीं आज देवासी के विरोध में एनएसयूआई के छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर में उग्र प्रदर्शन किया। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार छोगाराम देवासी द्वारा विरोध में आज आर्ट्स कॉलेज के पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष और आर्ट्स कॉलेज के छात्रों ने सुखाड़िया विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के बाहर नारेबाजी भी की। साथ ही छात्र प्रशासनिक भवन के गेट को खुलवाने के लिए उग्रता दिखाते हुए दिखाई दिए। महाविद्यालय के द्वारा सूचना पर तुरंत प्रभाव से पुलिस का जाप्ता भी मौके पर पहुंच गया। कला महाविद्यालय अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह देवड़ा ने बताया कि छात्रों के हितों के लिए सदैव लड़ना एनएसयूआई का कर्तव्य है, लेकिन छोगाराम देवासी अपने पद का दुरुपयोग करते हुए छात्रों के खिलाफ भी मामला दर्ज करवा रहे हैं। जब तक रजिस्ट्रार छोगाराम देवासी माफी नहीं मांग लेते तब तक प्रदर्शन किया जाएगा। नाम भूपेंद्र सिंह देवड़ा है, मैं कला महाविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष हूँ। ये मुद्दा आज हम सभी छात्र इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि बहुत दिनों से एक जीएसटी का मुद्दा विश्वविद्यालय में चल रहा है, जिसे के सीआर देवासी साहब ने तूल दे रखा है। कुलपति जी का बयान उसके प्रति अलग आता है, सीआर देवासी साहब का अलग बयान आता है। कुलपति साहब छात्रों के हितों में बात कर रहे हैं, वही एसी रूम में बैठे हुए सीआर देवासी साहब यहाँ विश्वविद्यालय की छवि को धूमिल कर रहे हैं। जीएसटी का मुद्दा वो है जिसमें हमने शनिवार के दिन केवल एक ही मांग रखी थी कि हमने शनिवार के दिन एक मांग रखी थी जीएसटी के लिए कि जीएसटी का हमको केवल एक आश्वासन, लिखित आश्वासन दे दो कि जीएसटी पे जो भी जीएसटी का है मामला, उसमें छात्रों के ऊपर फीस को लेके, उनके एडमिशन को लेके किसी प्रकार की फीस नहीं बढ़ाई जाएगी। हमारी मांग, हमें नहीं मतलब है राजनीति कैसी हो रही है आपके विश्वविद्यालय में, हमें मांग है आदिवासी बहुल क्षेत्र के जो बच्चे हैं, जो मजदूर परिवार के बच्चे हैं, मजदूर अपना शरीर काट के यहाँ के बच्चों, उनके बच्चों को पढ़ा रहा है, और ये ऐसी कमरे में बैठे हुए लोग भविष्य तय नहीं करेंगे। हमें केवल एक आश्वासन चाहिए था कि हमें छात्रों के ऊपर किसी प्रकार का जीएसटी को लेकर बोझ हम पे नहीं पड़ना चाहिए। हमने शांतिपूर्ण तरीके से बात करी, लेकिन हमारे बड़े भाई मोहित नायक पे, जो आज के अखबार में आया है दैनिक भास्कर में, जो उप कुल सचिव महोदय ने जो मामला दर्ज, परिवाद दर्ज कराया, और सुरक्षा खतरा, क्या हम आतंकवादी है? हमारी मांग उठा रहे हैं, हम छात्रों की मांग उठा रहे हैं, हम पे 1000 केस कर दीजिए, हम झुकने वाले नहीं है, हम हमारी मांगों को उठा के लेंगे और हम हमारा हक लेके रहेंगे। भारत माता की जय।